हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो MySQL या SQL सर्वर सीखते हैं, क्योंकि एक क्वेरी इसमें आपको लगानी है। अब वो क्वेरी क्या है? क्वेरी ये कहती है कि आप केवल और केवल CPU को सेलेक्ट करके दिखाइए, ऐसी क्वेरी लिखिए जिसमें केवल CPU वाली रो सेलेक्ट हो, यानी ID3 आए, नेम ऑफ प्रोडक्ट जो है CPU आए, और उसकी कॉस्ट यानी प्राइस जो है 25,000 आ जाए, केवल एक ही रो आए, बाकी कोई रो ना आए, और वो टेबल का नाम क्या है? प्रोडक्ट है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सीधा सीधा क्रिएट पे चले जाना है, क्वेरी डिजाइन पे जाना है, और यहाँ से SQL पर चले चलना है। अब यहाँ पर आपको क्या कमांड लिखना है, यहाँ पे लिखना है सेलेक्ट एस्ट्रिक लगाइए फ्रॉम, टेबल का नाम देना है। तो टेबल का नाम सीधा सीधा यहाँ दिख रहा है, प्रोडक्ट है, तो यहाँ प्रोडक्ट दे दीजिए, और यहां पे लगाइए वेयर की कंडीशन वेयर। अब यहां पर क्या देना है हमें, तो एक बार चेक करते हैं अपने टेबल को, प्रोडक्ट आईडी इज 3, क्या है सीपीयू की प्रोडक्ट आईडी 3 है, तो हम केवल प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू 3 दे देंगे तो काम हो जाएगा, ठीक कर देते हैं। और अब इसको चलाने की बारी है, लेकिन उससे भी पहले इस टेबल को क्लोज करने की बारी है, देन क्वेरी डिजाइन पर, और फिर वही चीज की यहां से रन करवा दीजिए। तो केवल और केवल सीपीयू सेलेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इस क्वेरी के सक्सेसफुल रन हो जाने के बाद हम इस क्वेरी को सेव कर देते हैं, क्वेरी 3 के ही नाम से चलिए सेव कर देते हैं, और इसको क्लोज कर देते हैं। वापिस आते हैं ये प्रोडक्ट वाली टेबल पर। अब हम क्या चाहते हैं ना, इसको प्राइस के जो है बढ़ते हुए क्रम में, यानी छोटे से कम वाला प्राइस पहले आए, यानी असेंडिंग ऑर्डर में प्राइस के हिसाब से शॉर्ट करना है। तो ये शॉर्टिंग कैसे पॉसिबल होगी असेंडिंग ऑर्डर में, सवाल ये भी है। तो इसके लिए आपको ऑर्डर बाय लिखना होता है, एक कीवर्ड लिखना होता है ऑर्डर बाय। अब ये कैसे होगा, यहाँ से क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे और यहाँ SQL पर आएंगे। अब यहाँ पर सेलेक्ट लिखा हुआ आ रहा है, देख सकते हैं ना, एस्ट्रिक फ्रॉम, कहाँ से सेलेक्ट करना है हमें, तो हमें प्रोडक्ट से सेलेक्ट करना है, तो ये हो गया प्रोडक्ट, ठीक है। अब एंटर करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं ऑर्डर बाय, इस तरीके से आपको ऑर्डर बाय लिखना है, ठीक है, के हिसाब से शॉर्ट करना है, तो प्राइस के हिसाब से। तो एक बार प्राइस चेक करते हैं कैसे लिखा हुआ है, स्मॉल में प्राइस लिखा हुआ है, तो हमको भी वैसे ही लिख देना है। तो यहां पर कर देना है P, स्मॉल में रहेगा PRICE प्राइस, और अब इस टेबल को क्लोज करके इस क्वेरी को रन करा दीजिए, काम आपका हो जाएगा। तो यहां से चल के क्वेरी डिजाइन पे जाके देन यहाँ रन पे क्लिक करना है, और ये देखिए, ये पहले छोटा वाला प्राइस, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करके ये चलेगा, यानी ऑर्डर बाय जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए इसी को नेम ऑफ प्रोडक्ट के बेस पे शॉर्ट करना होता तो क्या करते, तो नेम ऑफ प्रोडक्ट के बेस पे शॉर्ट करना होता तो भी हो जाता, कैसे होता देखिए। इस क्वेरी को पहले सेव कर देता हूँ क्वेरी 4 के ही नाम से, और इसे क्लोज कर देता हूँ, और एक नई क्वेरी बना लेते हैं क्वेरी डिजाइन पे जाके, SQL पे जाके। अब ये हो गया सेलेक्ट एस्ट्रेक फ्रॉम, अब टेबल का नाम वही प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट कर देंगे PRODUCT, ये हो गया प्रोडक्ट। अब एंटर करके नीचे आएंगे, ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे ऑर्डर बाय, ये लिख दिया ऑर्डर भाई। अब नेम ऑफ प्रोडक्ट के बेस पे शॉर्ट करना है, नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर प्रोडक्ट कर देते हैं, तो ये हो गया नेम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। और यहाँ पर टर्मिनेशन दे करके, और अब इसको सेलेक्ट करके चला लेना है यहाँ से। तो अब देखिए, अब जो है ये प्रोडक्ट के बेस पे शॉर्ट हो गया, देख सकते हैं, इसी के मुताबिक जो है आईडी भी शॉर्ट होती चली जा रही है। तो आपको जब भी शॉर्टिंग करवानी है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में चाहे SQL में, तो आप आसानी के साथ शॉर्ट करवा सकते हैं इसी तरीके से। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।